सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इडली के साथ सांभर बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेजिटेबल इडली है तो ये बहुत फटाफट बन जाती है, आप इसको चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। इडली हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इनको एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो आप कुछ इस तरीके से निकालिएगा एक एक हटा के, ताकि इडली टूटे ना, दिखने में भी अच्छी लगे, जब अगर आप खाएंगे तो खाने में भी उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यम्मी, थैंक यू मम्मी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपनी अपनी फैमिली के साथ सब सेफ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन लेके आई हूँ, जो है मसाला वेजिटेबल इडली, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी होती है, बननी बहुत फटाफट जाती है और हम इसको कम ऑयल में बनाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके साथ सांभर बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका काम भी थोड़ा बच जाएगा और जल्दी फटाफट बन भी जाएगा। आप इसको सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या चीजें ली है। ये इडली है, मैंने पहले से बना के रखी हुई है। ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें अनियन है, करी पत्ता है, बीन्स है, शिमला मिर्ची है, टमाटर है और गाजर है। ये मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं, कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मिक्स, हाफ कटोरी मैंने मटर ली है, ये कुछ ड्राई मसाले हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है, हम गैस ऑन कर लेंगे और इसमें हमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे, जो कि वैसे भी खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होती है। इसमें सिर्फ एक चम्मच ऑयल की ही जरूरत होती है। ऑयल गरम हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। मस्टर्ड सीड जब तक चटकेंगे तब तक फिर उसके साथ में हम प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसके अंदर शिमला मिर्ची डालेंगे सबसे पहले, फिर बीन्स डालेंगे, कैरेट भी साथ में डाल देंगे। एक से दो मिनट के लिए इनको चलाएंगे, इससे सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। साथ में जो मैंने आधा कटोरी मटर ली है उनको भी ऐड कर देंगे। सभी सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम इनको 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। वेजिटेबल कुक हो रही है तब तक हम इडली को कट कर लेंगे। तो मैं बताती हूँ इडली को कैसे कट करना है। हम इसको ऐसे बीच से दो भागों में कर लेंगे, इसके 4 हिस्से कर लेंगे इस तरह से। तो एक तो ये तरीका हो गया, अगर आप इसके और भी छोटे पीसेस करना चाहते हैं, दिखाती हूँ, हम सेंटर से कट कर लेंगे। फिर हम इसमें एक क्रॉस बनाएंगे, एक ऐसे क्रॉस बनाएंगे, एक इस तरीके से। देखिए कितने अच्छे से इसके 6 पीसेस हो गए। इसका एक थर्ड स्टाइल भी है कट करने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम इस तरह से लेंगे, 2 पीसेस करेंगे, उसके बाद में ये 2 पीसेस करेंगे, तो ये भी तीसरा स्टाइल है इडली को काटने का। अब मैं बाकी की बची हुई इडलियां कट कर लेती हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटेबल कुक हो गई है, वेजिटेबल कुक हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम और किशमिश। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इससे ये जो पूरी इडली है वो खट्टी मीठी हो जाती है और मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं है कि जो आपके दांतों में लगे। किशमिश का मीठा सबको पसंद आता है, काफ़ी बैलेंस होता है, टेस्टी भी होता है। आप इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने हेल्दी इडली बनाई है इसीलिए फ्राई नहीं किया बैठी। अब मैं इसके अंदर ड्राई मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, उसके बाद हम 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। आप मिर्च ज्यादा खाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डालें। हम इनको मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद देखिए कलर इसका कुछ इस तरीके से
आया है। वेजिटेबल्स हमारी कुक हो चुकी है, अब हम इनके अंदर इडली डालेंगे। इडली को कुछ इस तरीके से डालना है हाथों से उठाकर, तो एक एक अलग अलग रहे, उसके बाद में हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स इतना ध्यान से करें कि इडली टूटे ना। इडली हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इनको एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो आप कुछ इस तरीके से निकालिएगा, एक एक ताकि इडली टूटे ना, दिखने में भी अच्छी लगे, जब अगर आप खाएंगे तो खाने में भी उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए इडली एक भी टूटी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है और उसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अगर आपके घर पर गेस्ट आते हैं या बच्चे मांगते हैं तो आप फौरन चेंज उनको बना के दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए एक काफी हेल्दी ऑप्शन है और काफी खिली खिली बनती है। मसाला इडली रेडी है, चलो सबको सर्व करते हैं। सर्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में मेरा ब्रदर और मेरी भाभी आए हुए हैं। हमारी छोटी सी गुड़िया बानू भी है। बानू ये लो बेटा। थैंक यू आजी। छोटी चम्मच से बहुत टेस्टी है, इसमें बादाम और किशमिश का बहुत टेस्ट आ रहा है। ये नॉर्मल इडली से कुछ चिपके हैं, ये बहुत ही अच्छे है। और इसकी खास बात यह है कि नॉर्मल इडली तो सभी खाता है, बट ये बहुत ही यूनिक है इसके स्पाइसेस की वजह से, और ये केचप के साथ तो बहुत ही अच्छा है, और ड्राई फ्रूट का फ्लेवर तो इसको ये बिल्कुल ही यूनिक बना दे। यम्मी। ये बहुत अच्छा है और इसका वेजिटेबल्स के साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो इसको ड्राई गन पाउडर के साथ भी खा सकते हैं, बट मुझे तो ये केचप के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, और उसमें भी बारबेक्यू सॉस के साथ। ऑसम। इडली पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलके एक नई रेसिपी बनाते। टिल देन टेक केयर। वेलकम। Welcome.